नमस्कार संजय सर, मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये मैथ्स का कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 13 है। इससे पहले यहाँ पे 12 वीडियोस अपलोड हुए हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मैथ्स का कैलकुलेशन का पार्ट है। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिया है, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ टू सॉल्व। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन मार्क है 115 टू क्वेश्चन मार्क 225 बाई 250 इक्वल टू 1350। इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है जरा देखें। एक काम करते हैं, हम 00 यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से आपको काटना भी सीख जाएंगे। 5 से काट देते हैं, 5 तियाँ 15, 5 पची 25, क्लियर है। अब काट देंगे यहाँ से 5 से, 5 को 20, 5 पची 25, ओके। तो न्यूमरेटर यहाँ पे बटे वन कर सकते हैं, न्यूमरेटर एज न्यूमरेटर काट सकते हैं, डिनोमिनेटर एज डिनोमिनेटर काट सकते हैं। अंश अंश को डिवाइड किया जा सकता है इस फॉर्मेट में, 3 1 3, 3 2 12, 3 5 15, 450 हो गया। इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया, ओके। 45 काट दीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कितना आ गया, 10, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, क्लियर। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कितना आता, 10 आ जाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का है। तो सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन मार्क के प्लेस में मल्टीप्लाई में ये सारे नंबर्स हैं, तो अगर हम इसको फाइनली सॉल्व करें, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 284 00। और लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो हमेशा कहाँ आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे, 142 × 4, क्लियर है ये। तो 142 से यहाँ पे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 142 टू जा 284, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 5 20, तो यहाँ पे हो गया 50। तो आपने इस हिसाब से देखा तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 50। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 85 बाई 69 × क्वेश्चन मार्क बाई 34 इक्वल टू 15 बाई 46 × 4 बाई 9। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप, तरीका वही है, हम 23 से डिनोमिनेट हर को काट सकते हैं, बीच में इक्वल टू है ना, और अंश अंश को काटा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए आप, 23 3 69, 23 2 9 46 काट दिया हमने। अब काट देते हैं 17 2 9 34, 17 5, यहाँ पे लेफ्ट में अंश हर को काटा जा सकता है, राइट में भी ऐसा किया जा सकता है। 17 2 9 34, 17 5 85, ये हो गया। ये 2 2 यहाँ से काट सकते हैं दोनों तरफ, 3 से काट सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से यहाँ अंश हर को काट दीजिए, 3 5 15। लेफ्ट हैंड साइड में 5 और राइट हैंड साइड में 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे सामने आ गया क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, यहाँ पे और 4 बचता है। तो आपने देखा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये भी सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में भी हमें सिंप्लीफाई करना है। 450 × 11/15 × 36 30 × 1 ?5। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, 15 से काट दी, 15 3 45, 30 आ जाएगा। यहाँ पे हम 5 से काट सकते हैं,
पाँच छः का 30, क्लियर है? ये आ गया क्वेश्चन मार्क, को यहाँ पे लिख लेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा ये क्वेश्चन मार्क, ओके। और छः से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ज़ीरो ज़ीरो, छः तियाँ 18, छः छिंग 36 और एक 37, और छः तियाँ 18 और 18 तीन 21 इंटू 11 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने के में क्या है, आप इसको शिफ्टिंग मेथड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो एक नंबर यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, 21780 ऐड कर लीजिए, 0 8 8 7 15 7 8 1 9 2 और 1 3 2, आपने देखा बड़ी आसानी से हो गया 23 95 80। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे हल करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो देखिए दो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं, 35 × 36 बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाई 49। तो ऐसे केस में क्या करना है, चलिए देखते हैं। ऐसे केस में आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ध्यान से देखें, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 25 × 36 × 49 आ गया। तो ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये राइट हैंड साइड में जब आएगा तो क्या बना लेगा, वर्गमूल बना लेगा, क्लियर है? 25 × 36 × 49। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 25 किसका होल स्क्वायर है, 5 का, इंटू 36 6 का होल स्क्वायर है, इंटू ये 7 का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 का 30 और 7 3 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 210। तो फाइनली यहाँ तक कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये हो गए हैं सिंप्लीफिकेशन के। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।